पाकिस्तान का मौकिफ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रूस का दौरा, द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू रशिया फॉर द 16th ब्रिक्स समिट हैज बीन कंफर्म्ड। ब्रिक्स की बैठक की बड़ी तैयारी रूस में जारी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन का बड़ा बयान, और फिर दूसरी तरफ अमरीका है, पीएम मोदी मुझसे हर बार यूक्रेन युद्ध पर बात करते हैं, पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। पीएम मोदी भी काफी उत्साहित है और वो इसे अटेंड करने के लिए खुद रूस के कजान में जा रहे हैं। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बार रिस्पेक्ट की भी आती है, ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है, तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए? नहीं, वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, इंडिया हमसे बहुत आगे। नॉट बैड, नॉट बैड। तो चीमा साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान आना क्यों चाहता है। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी बुरी बुरी है। पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए तो आने जा रहा, सही बात है। पाकिस्तान के पास ले देंगे सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है भीख मांगना। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत पाकिस्तान को अंदर नहीं घुसने देगा। मैं जानता हूँ, ब्रिक्स को गंदा नहीं होने देगा। वाह भाई वाह। और ब्रिक्स में ऐसा भी नहीं है अगर मेजोरिटी में किसी ने वोटिंग की और मेजोरिटी में नंबर आ गया हो और नया मेंबर जोड़ लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रिक्स के अंदर अगर एक भी मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो उस नए मेंबर को ब्रिक्स के अंदर नहीं लेते हैं। जहाँ तक मैंने भारत की पॉलिसी देखी है और भारत का कूटनीति देखी है और जो भारत की विदेश नीति देखी है, उस हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है कि भारत पाकिस्तान को कभी भी अंदर एंटर नहीं होने देगा। हालांकि चाइना अपनी ताकत बहुत लगाएगा, चाइना जी जान लगा देगा, क्योंकि चाइना के तो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान भी तो हिंदुस्तान है, मोदी जी है मोदी जी, वो घुसने नहीं देंगे। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह, जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं, और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना यह है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या SCO, अभी जो SCO की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या SCO, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है, लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से, एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। भारत की विदेश नीति कभी भी किसी की पिछलग्गू बनने की नहीं है, हम सबके साथ में अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और सबको
साधने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली देखें, पहली चीज होती है आपका कैरिश्मेटिक लीडर, ठीक है। सेकंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है और वो कितना ज्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने ये एक चीज जेन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं और उनको देखने भी चाहेंगे सर, तभी उनको तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना है एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे, ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है। वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आए, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके, हमारे सिर्फ ईरान से नहीं तेल खरीद सके, जो जिस बेचारे ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी है कि भाई मैंने कर दिया पाकिस्तान, अब अगर ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस खत्म, लेकिन अमेरिका की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया पे कोई दबाव नहीं है, इंडिया ईरान से भी तेल खरीद रहा है, रूस से भी खरीद रहा है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर रशिया गया है और वो आज जो है वो जो है ना जी पाबंदे सिलासल हैं। तो सर फाइन भी तो कितने मिलियन डॉलर भरा था। अब आप ये भी देखें हैं कि ये चीजें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। हाँ। तो ये जो दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट किया, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव किसी भी हर तरह से चीज को बलाए ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिले तारीफ है, उनकी तारीफ बनती है। एंड वेयर ही इज हेडिंग टू वर्ड्स दुनिया को नजर आ रहा है, व्हाट एक्चुअली वांट टू डू इन फ्यूचर, और ये देख रहे हैं। एंड मैं तो यहाँ पर खड़ा पाकिस्तान में ये कह सकता हूँ, आई कैन प्रेडिक्ट दैट नो डाउट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा उसके पीछे, देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये उनके चीज़ है। चाइना की बात नहीं मानेगी, ठीक है जी, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मान रही दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है, एंड दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट दिस के कुछ होने जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है पूरी, ये हिपोक्रेसी है कि डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी कहें या हिपोक्रेसी कहें, ये हिपोक्रेसी है असल में। क्योंकि आप देखें कि फ़लस्तीन में और कश्मीर में इंडिया ने क्या किया है, वही इंडिया एक दूसरी जगह पर जाकर वो एक मुफामती अमल अपना वो सालसी का किरदार पेश कर रहा है। और रूस को भी असल कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। जी जी बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अब अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उसमें भी। हाँ। और दूसरा ये भी है कि रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, ठीक है। और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है बिल्कुल। हाँ। तो हाँ। वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है, इस तरह उन्होंने ना किसी ने फलस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज्यादा कत्ले आम हुआ है। हाँ। बच्चों का, औरतों का, आपका पॉइंट ठीक है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फलस्तीन और इसराइल की जंग है जो कि एक बहुत बड़ी जंग है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है जो भी बहुत बड़ी जंग है, लेकिन यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन खड़ी है, ठीक है, पूरा यूरोप खड़ा है, फलस्तीन तनहा खड़ा है, जो 57 कंट्रीज है वो नहीं आ रही। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जारी बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है। हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा, सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन,
and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी. सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है या जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल एट बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है. सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस. ठीक है जी. सो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस का मौकअप ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए. ठीक है जी. इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपेंड किया जा सके. मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मैथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे. मैं आपको बताऊं बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन लेकिन अनऑफिशियली. इंडियंस अनऑफिशियली इस पर काम कर रहे हैं, वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए. मुझे ये लगता है कि ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम को चेंज करना. पूरा वीडियो आपने देख लिया. वीडियो देखने के बाद तो यही बोल सकते हैं कि आने वाले समय हिंदुस्तान का है. और मैं हिंदुस्तानियों से बोलना चाहूँगा, जाति पाति ऊंची नीची से ऊपर उठ के सोचो, देश के बारे में सोचो. खासतौर से वो जो विधर्मी है, कहते तो हो ये देश हमारा भी है, इस मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है, तो खून को साबित भी तो करो, देश की तरक्की में भी तो साथ दो. और आप लोग भी क्या सोचे, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है. आप लोग अपना ख्याल रखिए. आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम.